अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। गुरुद्वारा जन्म स्थान दे विच कल तो तकरीबन गुरपुरब दे शुरू हन, लेकिन इस वेले इत्थे जिहड़ियां सिंध तों आउण वालियां संगतां हन वह काफ़ी तादाद दे विच इत्थे पहुँच चुकियां हन। सो इस वेले साडी जिहड़ी यंग जनरेशन है सिंध तों आई हुई, उहनां दे नाल गल करदे हां कि इहनां दा कित्थों आउणा होया। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से आना हुआ आपका? सिंध मीरपुर खास। मीरपुर खास से? जी जी। अच्छा जी, तो ये कब का प्लान बन गया था कि हमने जाना है इस दफ़ा? एक वीक पहले से ही, जब से हमारी ट्रेन निकलनी थी 4 तारीख को, तो उससे पहले एक वीक प्लान बना था हमारा। तो ये कुछ स्पेशल ट्रेन चलती है? जी। अच्छा, तो आप वैसे क्या करते हो, स्टूडेंट हो? जी, मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ। 11th? आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो कितने लोग आए हैं आपके? कोई क्लास फेलोज आई हैं, फैमिलीज के साथ आए हैं? किस फेलोज हैं कुछ ऐसी जो लाइक मेरी इंजीनियरिंग में हूँ, और मेरी जो फ्रेंड है वो मेडिकल में है, तो वो भी साथ आए हैं, लेकिन हम फैमिली के साथ आए हैं, सब अपनी अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं। ठीक है, चलें आपसे बात करते हैं, आपसे फिर उसके बाद में बात करते हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम हेमलता केवलानी है और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट, और मुझे इन सब चीज़ों में वैसे ही बहुत इंटरेस्ट होता है। वैसे भी मैं एक गुरसिख हूँ, मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा गुरु नानक देव जी को, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा आर्किटेक्चर फीचर्स देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ मैं वही चीज़ें देखती रहती हूँ। मतलब अगर ये कहना चाहें कि एक तो धार्मिक जो पहलू होता है वो तो है ही, लेकिन आपको मौका मिलना चाहिए कोई आर्किटेक्ट से जो चीज़ें हैं अच्छी बनी, तो ये अगर देखें यहाँ पे देखना चाहें जो आपने चीज़ें देखी हैं, तो इसको उस आई से जो आपकी एक प्रोफेशनल आई है उससे कैसे देख रही? उससे हम यहाँ पे जो ये डॉम्स बने हुए हैं, आर्चेस बने हुए हैं, उन सबको देखते हैं कि उसमें क्या यूनिकनेस है। फिर ये सिखिज़म आर्किटेक्चर में काउंट होता है, कि पाकिस्तान में जो सिखिज़म आर्किटेक्चर है, जैसे करतारपुर साहिब का जो आर्किटेक्चर है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा भी है, लेकिन जब यहाँ पे आके देखते हैं तो फिर वो ज़्यादा हमें मालूम चलता है कि क्या चीज़ें हैं वाकई में, कैसी उनकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, तो वो सब देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर किस चीज़ को सामने रखा जाता है ये जो सारा कुछ बनाया जाता है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी भी इसको काफ़ी ज़्यादा हमारे चैनल को देखने वाली है, वो नॉलेज गेन करें आपके थ्रू? जैसे कि हर मतलब हर रिलीजन का अपना अपना आर्किटेक्चर होता है। अब देखा जाए सिखिज़म आगे, आप बिल्डिंग्स देखेंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि ये गुरुद्वारा है, ये मॉस्क है और ये टेम्पल है, हमें वैसे ही खुद से पता चल रहा होता है, क्योंकि उनके ऐसे फीचर्स उसमें ऐड किए जाते हैं, आर्किटेक्चर फीचर्स उनमें ऐसे होते हैं, हमें देख के उनमें से नॉलेज मिल रही होती है कि ये क्या हमें दिखाना चाह रहे हैं। उसके अलावा उनकी जो खुद के अपने मॉन्यूमेंट्स बने हुए होते हैं उससे हमें पता चलता है, ये सब चीज़ें हम आर्किटेक्चर में काउंट करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, इसके अंदर एक तो जो धार्मिक बिल्डिंग्स होती हैं मज़हब से किसी भी से जुड़ी होती हैं, उनके अंदर एक खास फलसफा होता है उनको बनाते हुए, उनके बुनतर को मद्देनज़र रखते हुए, तो गुरुद्वारे के अंदर ये तो हमें पता चलता है कि ये सिखों का है, ये मंदिर है, ये फलां है, अगर कोई ख़ास स्पेसिफिक इनके अंदर क्या कोई ऐसा एलिमेंट है, क्या सिंबॉलिकली कोई इसकी इम्पॉर्टेंस को मद्देनज़र रखा जाता है, अगर वो आप बता पाएँ तो कई लोगों का भला हो जाएगा, जान पाएंगे। इसमें जैसे कि सबकी ना आर्चेस जो होती हैं वो चेंज होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके अलावा उनकी कंस्ट्रक्शंस देखी जाती है, जैसे कि हम यहाँ पर आए, हम वहाँ पर जो गुरुद्वारा साहिब देख रहे हैं डॉम्स भी बनी हुई हैं, लेकिन डॉम्स हमें पता है कि डॉम्स जो है वो इस्लाम में भी होती हैं, लेकिन इनकी डॉम्स का और उनकी डॉम्स में डिफरेंस होता है, काफ़ी डिफरेंस, और आर्चेस में डिफरेंस होता है, इन सब चीज़ों से हम वो कर पाते हैं कि ये चेंज है। चलें, बहुत कुछ जानने का मौका मिला आपसे। अब वो जो धार्मिक एक पक्ष है, तो जो नौजवान पीढ़ी है इस वक्त, ख़ासकर हम सिंध की पीढ़ी को लेते हैं, उसके अंदर मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सारे मज़ाहब के हैं, तो हमारे देखने में आता है कि बाबा गुरु नानक के सभी मानने वाले हैं, ये कोई ख़ास फलसफा था बाबा गुरु नानक का जो वहाँ पहुँचा? नानक जी ने कभी भी किसी भी इंसान में फ़र्क नहीं किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, या किसी भी धर्म का हो, उन्होंने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, एक ओंकार, सिर्फ एक ही खुदा है, वही है और वही रहेगा। तो हम सबको उन्होंने यही ज्ञान दिया कि आप एक ही खुदा को मान रहे हो और एक ही खुदा को मानो, यही चीज़ हमें सिखाई गई है, और धार्मिक पहलू से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो हम यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे नसीब हैं। जैसे कि आप सबको पता चला होगा, जो नानकाना साहिब की जो यात्रा ट्रेन आ रही थी उसकी बोगियाँ जो थी वो अलग हो गई थी, गिर रहा था वो, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ तक पहुँचे, सब गुरु बाबा की कृपा से।
चलें जी आप आएँ, आप जैसे लोगों को देखकर बहुत सारा मैसेज मिलता है, बहुत सारी हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। भाईजान क्या नाम है आपका? एक कुमार मेरा नाम है। बताएं आप क्या कहना चाहेंगे आप इस खास मौके पर? बस ये कि घूमने का एंजॉयमेंट का हो जाता है कि गुरु बाबा के दरबार पे आएँ, घूम जाएँ और करतारपुर जैसे ऐसे टूर करने इस हिसाब से। बेटा आप क्या मैसेज देना चाहोगे सभी लोगों को, खासकर जो यूथ है उसको क्या बताना चाहोगे बाबा गुरु नानक के बारे में? बाबा गुरु नानक बहुत ही ऊंचे मकाम पे हैं, हम उनको मानते हैं तो ज़रूर कोई उनका एक रुतबा होगा। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप एक ही खुदा पे भरोसा रखें, जैसे आप मुसलमान हैं तो अल्लाह पे ही भरोसा रखें अपने खुदा पे, और आप अपने खुदा पे भरोसा रखें, वो आपकी मदद हर तरफ से करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे आ रहे थे यात्रा ट्रेन में तो ऐसी हालत थी कि सबके रोने निकले, काफ़ी को चोट लगी, लेकिन बाबा ने जितनी सारी मुश्किलों के बाद भी हमें यहाँ पे पहुँचाया है, तो हमें विश्वास था उन पे, भरोसा था कि बाबा पहुँचाएंगे तो पहुँचाया है। अपने खुदा पे भरोसा रखें, सब कुछ सही होगा। बहुत खूबसूरत गल्लां इन्हां दियां। बुल्ले शाह सरकार भी फरमाते ने कि बुल्ला रब कहो ना कहो, आई सूर तू सच्चा रहो, तो गल समझ ली ते रोला की, ए राम रहीम ते मौला की। सो इको ही जात दे सारे ना हैं। बच्ची ने बड़ी खूबसूरत गल की कि उस ते तुहाडा बिलीव होना चाहिए है, उहदी एकता ते बिलीव होना चाहिए है, तुहानू मनना चाहिए कि तुसी उस दे बंदे हो, सच्चे रब दे सच्चे बंदे हो, तो फिर सारा कुछ बेहतर हो जाता है, क्योंकि तुहाडे अंदर सच्चाई आती है और सच्चाई तुहानू आटोमैटिकली सच्चे रस्ते ते चलांदी है।